हेलो फ्रेंड्स, मैं तितली क्रिएशन से अमिता। मैं आज आप लोगों के लिए ये प्यारे सी छोटी बच्चियों के लिए रोमपर लाई हूँ। 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए है ये। देखिए बनने पे कितना खूबसूरत लगता है। मैंने इसमें वर्धमान के बेबी वूल से बनाया है इसे, बेबी सॉफ्ट से। ये बच्चों के शरीर पे चुभेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं दोनों पल्ले को अलग अलग से बनाऊंगी। इसमें मैं फ्रंट में यहाँ से मैं स्टार्टिंग करूंगी, यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक जाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ बुनूंगी, उसके यहाँ बुन के मैं बाजू घटा दूंगी। अब बैक पोर्शन में मैंने बटन बटन पट्टी डाले हैं। यहाँ से यहाँ मैं उसी तरह आगे जितना बनाया है उसी तरह पीछे भी इतना बनाऊंगी। उसके बाद बस इसमें है कि मैं इधर बटन होल डालूंगी। इसमें मैं बाजू और गले और पैर में सब में फंदे उठा के मैं ऐसा फ्रिल डालूंगी। देखिए ये फ्रिल मैंने इस तरह जाली से बनाया है। देखिए बनने पे कितना खूबसूरत इसका लुक आता है। इधर मैंने यहाँ पर पैर के पास, कमर के पास 3 बटन होल डाले हैं, बटन्स डाले हैं। देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। ये गले में भी मैंने फ्रिल डाला है। अगर आपको ये रोमपर पसंद आता है तो आप भी जल्दी जल्दी से बना लें। देखिए इसमें मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। इसे मैं सीधे सीधे बुनूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये मैं आपको ये 2 पर्ल चेन बुनकर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा 2 पर्ल चेन तैयार हो गया। इसके बाद हम ये बटन होल डालेंगे। दो तीन चार, उसके बाद मैं एक जाली डालूंगी। फिर 4 फंदों बाद फिर एक बटन होल डालूंगी। इसके बाद फिर 4 के बाद फिर बटन होल डालूंगी। इसके बाद हमारा सारा ये सीधा सीधा ही बुनेंगे। देखिए 5 5 पर्ल चेन ये वाला हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखिए ये मेरा हमारा 5 चेन तैयार हो गया है। इसके बाद हम साइड साइड से बढ़ाना शुरू करेंगे। साइड में हमारा ये फर्स्ट स्किप कर देंगे। उसके बाद हम 3 बुनेंगे। इसके बाद हम एक जाली डालेंगे धागा आगे किए। इसके बाद इसे एक बढ़ा दिए। इसके बाद हम
हमारा इधर साइड में जितने चार फंदों के बाद एक जाली पड़ी है, वैसे ही हम इधर साइड में, इधर के साइड में भी चार फंदों के बाद, चार फंदे पहले एक जाली डालेंगे। ये हमारा चार फंदा बचा है इधर, इसमें भी धागा आगे करेंगे, ऐसे सीधे बुन देंगे। यहाँ पर हमारी ये जाली हो गई। बैक से हम सारे को सीधे ही बुन देंगे। देखिए इसमें हमारे दो फंदे बढ़ गए हैं, इस रो में हमारे दो फंदे बढ़ गए हैं। इसके बाद रो में भी हम एक एक फंदा बढ़ा देंगे। जिस तरह हमने चार चार फंदों पे बढ़ाया था, उसी तरह हम इसके बाद वाले रो में भी बढ़ा देंगे। हमारा यूं ही इसी तरह बनते बनते हमारा 70 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हम सीधे सीधे कुछ दूर बुनेंगे। देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, इसके बाद हम फिर से इधर जाली डालेंगे। एक फंदा, एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे। फंदा स्किप किया, एक दो तीन, तीन फंदों के बाद ये जो हमारा बीच में जाली वाला है, उसके पहले इसे आगे किए, ऐसे यू बुन दिए यहाँ पे, फिर हमारा एक जाली आ गया। हमारा फिर से इधर साइड में हम उसी तरह फिर जाली डालेंगे। चलिए फ्रेंड, मैं 70 फंदे बुन कर दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा 70 फंदा बढ़ के हो गया है। ये हमारा 70 फंदे बन गया है। ये देखिए हमारा 25 इधर बढ़ा है, 25 इधर बढ़ा है, 50 घर हमने बढ़ाया है, 50 घर बढ़ाया है, तो हमारा ये 70 फंदे हो जाते हैं। ये हमारा आगे का पोर्शन है, जिसमें मैंने ये बटन होल डाला है। देखिए मैंने ये पीछे का पोर्शन भी तैयार करके रखा है, जिसमें जैसे मैंने इसमें 70 फंदे बढ़ाए हैं, वैसे ही मैंने पीछे के पोर्शन में भी, आगे के पोर्शन में भी 70 फंदे बनाए हैं। अब मैं इसमें, इन दोनों में मैं कुछ दूर मैं इसे सिंपल ही ऐसे गार्टर स्टिच वाले पैटर्न से सारे बनाते जाऊंगी। कुछ दूर मैं दोनों को बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 70 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने ये 22 चेन डाला है। 22 चेन डाल के मैंने अपना ये डिज़ाइन शुरू किया है। देखिए इसमें मैंने डिज़ाइन इस तरह का बनाया है, तीन तीन फंदों के डाली है, तीन तीन फंदों का डिज़ाइन है। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। मैंने पहले स्किप कर दिया, उसके बाद तीन तीन फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए। उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन शुरू होता है, तो मैंने ये जो तीसरा फंदा है, इसे इन दोनों के ऊपर से गिरा दिया। उसके बाद ये जो दो फंदे हैं, दो को मैंने एक कर दिया। इसे पहले वाले को मैंने सीधा बुना, उसके बाद धागा आगे किया, इसे मैंने सीधा बुन दिया। ये हमारी बीच में जाली आ गई। उसके बाद मैंने धागा आगे किया, इसमें तीन फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए। फिर इसमें मैंने फिर इस धागे को, तीसरे धागे को
मैंने इसे गिरा दिया। उसके बाद धागा पीछे किया, उसके बाद सीधा इसे बुन लिया, उसके बाद बीच में जाली डाल दी, धागा आगे किया, ऐसे ऐसे बुन दिया। फिर मैंने इसे तीन तीन फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए, उसके बाद धागा आगे किया, फिर इसे सीधा बुना, बीच में जाली डाली। ये हमारा, इसी तरह हम पूरे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, तीन उल्टे, और ये डिज़ाइन के लिए एक धागा गिरा दिए, एक सीधा बुना और एक हमने बीच में जाली डाल के बुन लिया। मैं पूरे रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं जाऊंगी दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई में हमारा जहाँ हमारा सीधा लग रहा है वहाँ मैं सीधा बनाऊंगी, जहाँ ये उल्टा लग रहा है वहाँ मैं उल्टा बनाऊंगी। देखिए, ये हमारा तीन सीधा लग रहा है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। ये हमारा तीन उल्टा है। यहाँ पर हमारी जाली थी, ये जो हमारी जाली वाली फंदे हैं इसे भी मैं उल्टा बुन लूँगी। उसके बाद ये हमारा तीन सीधा लग रहा है, इसे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा तीन उल्टा है, ये बीच वाली जाली वाली है, इसे हम उल्टे बुन लेंगे। ये हमारी तीन सीधी है, इसे सीधा बुन लेंगे। इसी तरह हमें तीसरा और चौथा रो भी, जहाँ हमारी सीधी है वहाँ सीधी, जहाँ उल्टी है हमारी उल्टी, वैसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये तीसरी और चौथी रो भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी पांचवी रो हमारी फर्स्ट सिलाई के जैसी ही बनेगी। ये हमारा उल्टा, फिर हमने तीन फंदे जो उल्टे उल्टे बुने हैं उसे उल्टे बुन लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने पहले रो में किया था, इस तीसरे फंदे को दोनों फंदे के ऊपर से गिरा लिया। उसके बाद ये फंदा पीछे किया, इसे सीधा बुन लिया, उसके बाद धागा आगे किया, यहाँ पे जाली डाल दी। हमने दो का तीन कर लिया। हमने जैसे पहली सिलाई में की थी उसी तरह पांचवी सिलाई बनेगी। छठी, सातवीं और आठवीं सिलाई हमारी सीधी सीधी सीधी, जहाँ सीधी है वहाँ सीधी बनेगी, जहाँ उल्टी है वहाँ उल्टी बनेगी। ठीक है, मैं रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने दोनों दोनों पल्ले में कंप्लीट करके रखा है। इसके बाद मैं दोनों पल्लों में छः छः फंदे इधर से और छः फंदे इधर से घटा दूंगी। देखिए, एक एक घटा दिया, दो, तीन, चार, पांच, ये हमारी छः हुई। हमने इधर छः फंदे घटा दिए हैं। उसके बाद हम इधर साइड पहुँचेंगे तो हम इधर साइड भी छः फंदे घटा देंगे। घटाने के बाद मैं आगे वाले पोर्शन में कुछ दूर
मैं जैसे ये से 6 बनाई हूँ, मैं इतने दूर आगे बना के इसे फिर गले को घटा दूंगी। मैं वहां तक पहुंच के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा घटने के बाद मैंने इतने बना लिए हैं। उसके बाद मैं 10-10 फंदे कंधे पर रखूंगी और बीच के सारे पोर्शन एक साथ घटा दूंगी। मैंने इसमें 13 फंदे रखे हैं। मुझे 10 फंदे बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे, मैंने 13 फंदे रखे हैं लगाए बनाए हैं। उसके बाद के सारे पोर्शन मैं घटा दूंगी। एक, दो, इधर भी हमारा 13 बचेगा, 13 फंदे बचेंगे, 13 फंदे। तब तक मैं इसे इतना घटाऊंगी, घटा के दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरा इधर 13 फंदा घटाने के बाद बच गया है। अब मैं इधर थोड़ा सा पोर्शन, 2 इंच के लगभग मैं इधर साइड घटाने के बाद बनाऊंगी और 2 इंच के लगभग इधर साइड बनाऊंगी। दोनों साइड में 2 इंच बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे गला गला घटाने के बाद मैंने ये जरा सा इसमें थोड़ा सा बनाया है। इसके बाद मैं बैक का पोर्शन बनाऊंगी। बैक के पोर्शन में मैं पीछे बटन पट्टी डालूंगी। तो बटन पट्टी में मैं इसमें मैंने इधर साइड के बना रहे हैं। पहले मैं राइट हैंड साइड का बना रही हूँ, जो ऊपर से चढ़ा रहेगा, जिसमें हमारा बटन होल पड़ेगा। इसमें मैं 6 फंदों का मैं बॉर्डर डालूंगी और इधर जो बाकी बचेगा वो मैं यूं ही जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसी तरह बनेगा। ये मेरा 31 फंदा है इधर साइड का, और इधर साइड का हमारा 27 फंदा है। तो इसमें मैं इसमें एक्स्ट्रा ली हूँ ऊपर से ये करने। हमारे इधर दूसरे साइड में 6 फंदा हमारा इधर अंदर से बुनूंगी। इसमें मैं ये बना लेती हूँ। ये हमारे सीधा सीधा का बॉर्डर रहेगा, 4, 5, 6, ये हमारा बॉर्डर हो गया। ये जो हमारा डिजाइन का है वो चलेगा। जैसा हमारा डिजाइन चल रहा था वैसे ही चलता जाएगा। देखिए, ये हमारी सीधी सीधी 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हुए, इधर डिजाइन का चल रहा है। देखिए, ये हमारा इस तरह से आ रहा है। ये हमारी बॉर्डर है, 6 फंदों की बॉर्डर है, और ये हमारी इस तरह चलते जाएगी। ये मैं यहाँ पर इसमें मैं 2 बटन होल डालूंगी। तो मैंने ये 2 बॉर्डर के 2 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद मैं धागा आगे करूंगी, इस दो को एक कर दूंगी, यहाँ पे बटन होल डाल दूंगी। यहाँ मैंने बटन होल डाल दिया, ये सीधा बुनूंगी। ये हमारा इसी तरह से चलता जाएगा जब तक हमारी जो जितना आगे मैंने बुना है उतना ही हम बैक साइड में भी बुनेंगे। बुन के
आती हूँ। देखिए ये बैक साइड का एक पार्ट मैंने बना लिया है, दूसरे पार्ट में मैं इधर पीछे से मैं जितने मैंने इसमें बॉर्डर उठाए थे उतने उतने फंदे मैं इधर से उठा लूँगी। 3, 4, 5 6। ये देखिए मैंने 6 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं इधर से मैं धागा जोड़ूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 फंदा हमारा सीधा सीधा बॉर्डर हो गया। उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन चल रहा था ये डिज़ाइन उसी तरह हमारा चलता जाएगा। आज जितना मैंने इधर के पार्ट में बनाया था उतना ही हम इधर के पार्ट में बना लेंगे, बना के हम दोनों कंधे को जोड़ देंगे। देखिए मैं बना के जोड़ के वापस आती हूँ। देखिए मैंने ये दोनों दोनों पल्ले को बना के इसे जोड़ जोड़ लिया है। ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है। पीछे मैंने बटन होल वाले बैक में डाले हैं। देखिए मैंने ये एक साइड मैंने ये फ्रिल बनाया है इसमें। देखिए मैंने एक साइड बना लिया है, इसी तरह मैं दूसरे साइड भी ये बना लूंगी। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसे फंदे उठा लेती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं उठाने हैं, जितना हमारा चेन है उसी हिसाब से हम फंदे उठाएंगे। मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। उसके बाद बैक बैक पोर्शन से मैं पहला तो उल्टा बुन लूंगी। उसके बाद हमारा जो दो होगा वो मैं सीधा बुनूंगी, दो सीधा एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टा, दो सीधा, इसी तरह बुन के मैं पूरे रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए मैं तो पहला स्किप कर दूंगी, उसके बाद ये हमारा इधर से राइट साइड से हमारा सीधा फंदा है, मैं सीधे फंदे को सीधा ही बुन लूंगी। उसके बाद ये हमारा दो उल्टे फंदे हैं राइट साइड से, इसे मैं यूं घुमाकर एक जाली डालूंगी, घर बढ़ा लूंगी, और ये दो उल्टे। उसके बाद मैं ये सीधा है जिसे सीधा ही बुन लूंगी, उसके बाद इसे घुमा के मैं यहाँ पे एक जाली डाल दूंगी, फिर ये दो उल्टे से मैं दो उल्टा बुन लूंगी। उसके बाद एक सीधा है जिसे मैं सीधा बुन लूंगी, उसके बाद फंदे घुमा के मैं इसे उल्टा बुन लूंगी। इसी तरह हमारा जो सीधा फंदा है, सीधा फंदा बनने के बाद हम घुमाकर आगे से जाली डालेंगे। पूरी रो इसी तरह आपकी कंप्लीट होती जाएगी। इसी तरह हमारा ये सीधा बन गया, उसके बाद फंदा घुमा लिया, उसके बाद इसे उल्टा बुन लिया, उसके बाद वाले फंदे को भी उल्टा बुन लिया, उसके बाद वाले फंदे को मैंने सीधा बुना, उसके बाद फिर घुमा लिया धागे को, उसके बाद फिर उल्टा बुन लिया। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमारे जो बैक से है, बैक से ये तो मैं स्किप कर दूंगी। उसके बाद जो हमारी ये दो सीधी दिख रही है, उसे उसे सीधा ही बुन लेंगे। जो हमारी ये दो सीधी है उसे सीधा ही बुन लेंगे। ये जो हमारी जाली वाली है उसे हम बैक साइड से उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी दो उल्टी हो, इसमें सारा हमारा दो उल्टा दो सीधा चलेगा। ये हमारे जो सीधे सीधे दिख रही है वो सीधा बनेगा, और जो हमारे ये जाली वाले फंदे उठे हुए दिख रहे हैं वो हमारे उल्टे बनेंगे बैक साइड से। ये पूरी रो इसी तरह दो उल्टे दो सीधे में चलेगी। हमारा इसी तरह ये रो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फ्रंट के साइड पर। यहाँ हमारे फिर डिजाइनिंग जाली बनेगी, बढ़ेगी जाली। ये देखिए ये हम स्किप कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारी सीधी फंदे दिख रही है उसे सीधा बुन लेंगे। उसके बाद हमारे सीधा बुनने के बाद हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे। इसी तरह हमें सारा रो कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे दो सीधा बनाया, फिर एक जाली डाला। देखिए दोस्तों, मैंने ये गले में चार जाली कंप्लीट करके मैंने इसे घटा लिया है। घटाने के बाद मैं इस पोर्शन से इस पोर्शन सिलाई करूंगी, इस पोर्शन से इस पोर्शन सिलाई करूंगी, और ये जो गले में है, गले में मैं इस तरह से इसे सिलाई करूंगी। देखिए पहले गला का ही सिलाई करते हैं। इसे और इसे मिला के हमने मैं इसे यहाँ पे बांध दूंगी।
यहाँ पर नॉट लगा लिया, उसके बाद मैं इस चेन से चेन को मिला के सिल दूंगी। इस चेन से इस चेन को और इधर से इधर। इसी तरह हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। इधर वाले पोर्शन में भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। इधर से इधर हमने सिलाई कर ली। इसे भी हम जितना इधर साइड का सिले थे उतना ही हम इधर साइड में भी सिल लेंगे। ये हमारा सिल गया। देखिए ये हमारा आगे का पोर्शन है, इस तरह सिल गया है। ये हमारा बैक के पोर्शन में हमने ये बटन पट्टी से इसे जोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहां से यहां तक सिल लूंगी और यहां से यहां तक सिल लूंगी। देखिए हमारा ये सिल के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें इस पोर्शन से जहाँ से हमारा जाली स्टार्ट हुआ है वहाँ से फंदे उठाऊंगी। वहाँ से इधर के जहाँ जाली समाप्त होता है, इधर साइड भी हमारा जहाँ जाली स्टार्टिंग होता है वहाँ तक उठा के इसमें हमारा इस तरह से झालर बनेगी। ये दोनों साइड में बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने ये पैर वाले झालर बना लिए हैं। उसके बाद मैं ये जो हमारा है इसे यहाँ पर जोड़ूंगी। ये जो है यहाँ पर जोड़ूंगी, चारों तरफ से इसे स्टिच कर लूँगी। ये मेरी सिलाई होके तैयार है। देखिए मैंने सिल दिया है। देखिए ये बनने पे कितनी खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये मेरा रॉम्पर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।